जो पैकेज देता है वो मगध में खर्चा ना होके मिथिला क्षेत्र में हो, हम लोग के क्षेत्र में हो, जो बाहर में विधायक सांसद जो अपना जेब गर्म करने का काम करते हैं वो जेब गर्म नहीं करने देंगे, उनको भी इस बार में उस सुखा कह रहे हैं कि मगध के छाती पे चढ़ के मिथिला राज लेंगे, जो कि युवाओं का खून हमेशा गर्म रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में, मैं सुजीत जोशी। और यहाँ पे जो है गांधी मैदान है, और यहाँ देख सकते हैं कि मिथिला MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो इससे पहले कई सालों से मिथिला राज के लिए मांग आता रहा है, लेकिन कुछ अगले एक साल से जो है ये आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे आंदोलन के लिए लोग आए थे। तो हम आइए बात करते कि आखिर क्यों इनको मिथिला राज चाहिए, आखिर क्या मजबूरी है कि मिथिला राज अलग राज बनाना चाहते हैं, मिथिला को टुकड़ा करना चाहते हैं, क्यों? भैया सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ऋषि है, हम भारत के बॉर्डर जयनगर से आए हैं। भारत और नेपाल, भारत नेपाल हाँ। के सीमा से आए हैं, जयनगर घर है मेरा। तो आखिर आप लोग क्यों मिथिला राज की मांग करते हैं? देखिए हम क्यों ना करें मिथिला राज की मांग, हम क्यों ना करें, ठीक है? देखिए जो मगध की जो डेवलपमेंट आप देखेंगे, मिथिला क्षेत्र की डेवलपमेंट जो आप देखेंगे उसके मुकाबले जो है कहीं ज़्यादा डेवलप है मगध, तो हम क्यों ना करें मिथिला राज की। आज़ादी से पहले हमारे पास 40 चीनी मिल था, जूट मिल था, पूरे देश में पाकिस्तान तक में अदर अदर कंट्री सब में हमारा चीनी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के डेट में हमारा चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सूत मिल इत्यादि सारा मिल सब बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों? जो मगध की सरकार है जो सत्ता में बैठे, ऐसा तो नहीं है कि मगध में चीनी मिल चालू रखा है, मगध में भी चीनी मिल बंद है। उद्योग धंधा तो चालू है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, लेकिन हमारे मिथिला क्षेत्र में तो डेवलपमेंट बंद है। यहाँ तो पूरा बिहार में ना फैक्ट्री बंद किया गया है। कैसे पूरा बिहार में बंद कर दिया? कौन सा फैक्ट्री मगध में चालू है? बहुत सारा फैक्ट्री है, आप इंडस्ट्रियल एरिया देख सकते हैं, पटना की डेवलपमेंट आप देखिए, आप पटना में अभी हैं, पटना की डेवलपमेंट देखिए ना आप, यहाँ पे बोरिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड बन रहा है, मतलब जगह जगह पे फ्लाई ओवर ब्रिज है, लेकिन हमारे मिथिला में आप बताइए कहीं भी फ्लाई ओवर ब्रिज है, वो रिंग रोड है, कहीं बताइए कहीं पे है? नहीं ना है। तो ये इससे क्या होता है कि दोहरा नीति हम लोगों के साथ मगध की सरकार कर रही है। जिस टाइम में बिहार के इतिहास के क्या है, बहुत से बहुत 112 वर्ष है, लेकिन हमारे मिथिला की इतिहास रामायण काल से आती हुई आ रही है। तो ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिथिला राज हमें चाहिए, मिथिला राज हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम लोग देंगे, लेकिन मिथिला राज लेकर रहेंगे। आप लोग विकास के लिए क्यों नहीं बात करते, अलग मिथिला राज्य के लिए क्यों बात करते? हम लोगों ने 5 वर्ष विकास की बात की है, 5 वर्ष कम नहीं होती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन जब से जन्म ली थी तब से विकास की बात करते रही, मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की बात करी, हम लोग मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से, स्टेट सरकार से कि अलग पैकेज हम लोग हमारे मिथिला क्षेत्र को दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनदेखा कर रही है, हमारे साथ दोहरा नीति कर रही है। तत्पश्चात हम लोगों ने सोचा जो हमारी अलग सभ्यता है, हमारी लिपि है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्राइटेरिया है सारा राज्य के क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहा है, फिर भी हमारा राज्य क्यों नहीं बन रहा अभी तक? तो इसको लेकर के देखिए, अगर देश में नया क्रांति जब भी पैदा हुआ है, देश में नया बदलाव जब भी पैदा हुआ है, युवाओं का साथ उसमें मिला है तभी जाके हुआ है, युवाओं का, छात्रों का। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, युवाओं का, छात्रों का संगठन है, और जब तक स्टूडेंट यूनियन साथ आ चुके हैं, अब हम तो कह रहे हैं कि मगध के छाती पे चढ़ के मिथिला राज लेंगे, जो कि युवाओं का खून हमेशा गर्म रहता है। तो मिथिला राज अगर राज्य मिल जाता तो उससे कैसे विकास होगा? मान लीजिए अगर आपको देखिए अभी जो नीति बन रही है बिहार को डेवलपमेंट करने की बन रही है, वो नाम मात्र बिहार को डेवलपमेंट कर रही है, वो केवल और केवल नीति मगध को डेवलपमेंट करने के लिए बन रही है। हमारा जो मिथिला है पूर्व से डेवलप रहा है, तो अभी जो सरकार नीति बना रही है मगध, बोध, मगध, गया, नालंदा इत्यादि को डेवलप करने के लिए नीति बना रही है, लेकिन हमारा जो मिथिला अलग स्टेट बन जाएगा तो उसके पास अलग मतलब सरकार होगा, सत्ता होगा, वो जो नीति बनाएगी वो मिथिला को डेवलपमेंट करने के लिए बनाएगी। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, अररिया, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण को कैसे कैसे डेवलप किया जाए, एजुकेशन जोन कैसे बनाया जाए, शिक्षा कैसे ठीक हो इत्यादि को बात डेवलप करने की बात करेगी वो जो सरकार बनेगी हमारी। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ और हम भी जयनगर मधुबनी जिला से हैं। तो जैसे ही भाई साहब कहें कि अभी जो है सरकार मगध के विकास के लिए नीति बनाती है, लेकिन
अभी जो नेता सत्ता में है वो मिथिला के भी जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, सब मिथिला के ही वासी है और वो मिथिला का भी है, तो वो लोग क्यों नहीं चाहते कि हम अपना क्षेत्र का विकास करें। और अगर आप मिथिला राज लेते हैं तो वो भी जो नेता बनेंगे, जो सीएम बनेंगे या विधायक बनेंगे, वो मिथिला का बनेंगे, अभी भी मिथिला का ही है जो कुछ है, तो वो लोग उससे क्यों नहीं डेवलपमेंट। आपको स्पष्ट बता दें, जितनी भी पार्टी है बिहार में उन सभी पार्टी के आका मगध के हैं। आप नज़र उठा के थोड़ा सोचिएगा तो पूरे भी जितने भी बिहार में पार्टी है सब के आका मगध के ही है। वो लोग मगध के जो बोलेंगे, उनके आका जो बोलेंगे वही करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो उसको टिकट नहीं देगा, विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, इसलिए उनको करना पड़ता है। मिथिला के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसलिए हम लोग उन सबको भी मिथिला राज्य बनेगा, उन लोग को मिथिला के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मिथिला राज्य की मांग करते हैं। जैसे मनीष कश्यप जी जो आप लोग जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये लोग जो है बिहार को टुकड़ा करने के लिए करते हैं, टुकड़ा नहीं करना चाहिए, तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, टुकड़ा क्या होता है, आप सिंपल सी एक बात बताना चाहते हैं। जब किसी भी परिवार बड़ा हो जाता है तो परिवार में विभाजन होता है कि नहीं होता है? जब दो जगह हम लोग के मैथिली सब ने बोला जाता है, बंटवारा किया जाता है, जो दो भाई हैं तो अलग, जब बड़ा परिवार होता है दो जगह किया जाता है, तो इसी तरह से हम लोग को क्षेत्र को विकास नहीं किया जाता है, हम लोग को अनदेखा किया जाता है। आप पटना में है, देखिए पटना की स्थिति, और मिथिला क्षेत्र की जितनी 23 जिला है उस 23 जिले में से एक भी जिला को देख लीजिए, वहाँ के विकास की देख लीजिए, क्या आपको आपको खुद नज़र आ जाएगी? आप मीडिया बंधु हैं, आपको खुद नज़र आ जाएगी क्या भी स्थिति है। मिथिला विकास बोर्ड के लिए हम लोग भी मांग किए थे, जो हम लोग के लिए विशेष पैकेज दे, जो मिथिला क्षेत्र में ही खर्चा किया जाए, लेकिन उन बातों के लिए नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद हम लोग मिथिला राज की मांग करते हैं, जो हम लोग से के लिए जो पैकेज देता है वो मगध में खर्चा ना होकर मिथिला क्षेत्र में हो, हम लोग के क्षेत्र में हो, जो बार में विधायक सांसद जो अपना जेब गर्म करने का काम करते हैं वो जेब गर्म नहीं करने देंगे, उनको भी इस बार में उस सुखार में उनको भी वहाँ रहने का, वो आकर के पटना में ऐसो की एसी की हवा खाते वो खाने नहीं देंगे, वो मिथिला राज बनेगा वहीं पे रहेंगे, वो बार का उनको भी समस्या का झेलना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मिथिला राज की मांग करते हैं। आप लोग अपना नेता किसको चुनते हैं, किस पार्टी को चुनते? देखिए, हम लोग किसी पार्टी को नहीं चाहे, जो हम लोग के हित में हम लोग के विचारधारा से जुड़ेंगे उनको हम लोग बनाएंगे। हम लोग एक थोड़े ही है, जो हम लोग मिथिलावासी 8 करोड़ जनता जिससे चूज करेगी वो मिथिला पर राज करेगा, मिथिला राज बनेगा, उस पर जो मिथिला क्षेत्र का विकास करेगा उनको हम लोग बनाएंगे नेता।